नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। खबर भरतपुर जिले के डिक से है, जहां आज स्वामी विवेकानंद जयंती का कार्यक्रम उपखंड के बहज गांव में मनाया गया और उसमें प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान भी किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री डी कुमार, विधायक विश्वेंद्र सिंह के सुपुत्र कुंवर अनिरुद्ध सिंह ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज के युग में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें निखारने का मौका नहीं मिलता। हमें अपने क्षेत्र में प्रतिभाओं को समय समय पर सम्मानित करते रहना चाहिए, जिससे कि उन्हें निखरने का मौका मिल सके। कार्यक्रम के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री के सपुत्र का 21 किलो की माला व चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष निरंजन लाल टकसालिया, पार्षद धीरज कुमार टिट्टू कुमार, पालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत शर्मा का भी माला व सांपा पहनाकर स्वागत किया गया, जिस दौरान कक्षा 10 व 12वीं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर छात्र छात्राओं का स्वामी विवेकानंद की तस्वीर भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर कुंवर अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। इस मौके पर सरपंच सुभाष बाबू, दीपेंद्र कुमार, दीपू शंभू बहज, योगेश ठेकेदार बाबू बहज सहित ग्रामीण क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। डीक से मुकेश जांगिड की विशेष रिपोर्ट। मैं विवेकानंद जयंती पर युवा संगठन बहज द्वारा ये उनकी जयंती मनाई गई। इसमें हमारे मुख्य अतिथि हमें कुंवर साहब को बुलाया गया और गांव की अन्य समस्याओं के बारे में उनको रखा गया उन सामने, और महाराज साहब कुंवर साहब ने उनको पूरा करने का पूरा आश्वासन दिया है। इसके लिए हमारा गाँव कुंवर साहब का, महाराज साहब का बहुत बहुत आभारी है।